जिले की हंडिया नर्मदा अंचल में पुण्य सलीला मां नर्मदा का जन्म उत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हंडिया के विभिन्न घाटों पर पंडालों को विशेष रूप से सजाया गया था। विद्वान पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना कराई गई, जिसमें कृषि मंत्री कमल पटेल सहित प्रशासनिक अमला शामिल हुआ। हंडिया सड़क पूरा घाट पर स्थानीय समिति द्वारा 56 भोग मां नर्मदा को लगाए गए। वहीं धूमधाम से महाआरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया व भंडारे आयोजित किए गए। उधर प्रसिद्ध रिद्धेश्वर घाट पर भी विशेष संतों के सानिध्य में कृषि मंत्री कमल पटेल ने पुण्य सलीला मां नर्मदा की पूजा अर्चना करते हुए सभी क्षेत्रवासियों की मंगल कामना की। मां नर्मदा की महाआरती एवं दुधाभिषेक नर्मदा को अर्पित किया गया। नर्मदे हर, आप सभी आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मां नर्मदा के पावन जन्मोत्सव की अनंत कोटि मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करता हूं। आज पुण्य सलीला जगत तारिणी पतित पावनी मां नर्मदा का पावन जन्मोत्सव है। अचला सप्तमी के दिन भगवती नर्मदा का प्रादुर्भाव कहा गया है। आज अचला सप्तमी की पुण्यतिथि है, मां नर्मदा का प्रागट्य उत्सव है, जन्मोत्सव है। आप हम सभी बड़ी तादाद में यहाँ मां नर्मदा के नाभि तीर्थ में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मां नर्मदा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से आनंद मंगलमय जन्मोत्सव भगवती का मनाया गया। प्रातः काल से ही, अल सुबह से ही आप देख सकते हैं भक्तों का तांता मां नर्मदा के तट पर लगा था और मां नर्मदा के पावन तट पर, नाभि तीर्थ के सन्मुख भगवती के पावन तट पर प्रातः काल से ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों के साथ में मां नर्मदा का पूजन, अभिषेक, सहस्त्र नामों से, पुष्पों से, नाना विधि पुष्पों से भगवती का अर्चन और 56 भोग भगवती को महानैवेद्य अर्पण किया गया और मां नर्मदा की मध्याह्न काल में ठीक 12 बजे भगवती की महाआरती की गई। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालुगण उपस्थित थे और मां नर्मदा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से पावन मंगलमय जन्मोत्सव भगवती का यहाँ पर मनाया गया। नर्मदे हर साल की तरह हमने इस बार भी नर्मदा जयंती बहुत हर्षोल्लास से मनाई। मेरी सभी सहेलियों द्वारा, अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा हम लोग हर बार 56 भोग का आयोजन करते हैं। इस बार तो मंत्री जी भी आए थे तो नर्मदा जयंती में ज्यादा धूमधड़ाका हुआ और मैया की सेवा पूजा करने से तो हर व्यक्ति तर जाता है। हमको उसका 56 भोग बनाकर प्रसाद वितरण करके बहुत शांति का अनुभव होता है और माँ हम पर अपनी कृपा बनाए रखे इसी तरह और हम सब सहेलियाँ मिलकर मैया का कार्यक्रम। 56 भोग का जो यहाँ पे भोग लगता है, कितने वर्षों से लगा चला आ रहा है? ये 5वां वर्ष है। पहले साल हमने बाजार से बुलवाया था, फिर अब 4 सालों से हम 7 सहेलियाँ हैं, साथ मिलकर बना रहे। माँ नर्मदा हमारे लिए जीवनदायिनी है, प्रातः स्मरणीय है, पुण्यदायिनी है, संकट हरणी है, सुख समृद्धि करनी है और श्रद्धा का केंद्र है। आज नर्मदा जयंती है, मैं सभी श्रद्धालुओं को, नागरिक बंधुओं को, माता बहनों बुजुर्गों, युवा बच्चों सभी को नर्मदा जयंती की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ और माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ नर्मदा सबको स्वस्थ रखे, कोरोना से मुक्ति दे, सबको खुशहाल रखे, समृद्धशाली रखे और सबको सद्बुद्धि दे कि हम सब अपने और अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना जीवन को लगाएं, देश के लिए जीना सीखें, ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे और अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफ अर्जुन आईडी लगी हुई लड़ाई लड़के इस पर विजय प्राप्त करें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको पूरा करें, ऐसी माँ से प्रार्थना करते हैं। मैं एक बार पुनः सभी नागरिक बंधुओं को नर्मदा जयंती की बधाई देता हूँ और सबके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ कि माँ नर्मदा सबको स्वस्थ रखे, हमेशा सुखी रखे और हमेशा सब कमल के खेल फूल की तरह खिलते रहें, अपने घर आंगन को, अपने प्रदेश और देश को महकाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, हरदा।